नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल मैथ अड्डा सारण में। फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके, और इस सेशन में हम दो टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि आज ग्रुप डी में जो हुबली जोन का स्टार्ट हुआ है, यानी कि फिफ्थ जोन, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन आप मात्र 5 से 7 मिनट के वीडियो में आपका 1 से 2 नंबर पक्का ही होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास को शुरू करते हैं। अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये वीडियो आपका 1 से 2 मार्क्स पक्का लेके आ सकता है, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था और पंचवर्षीय योजना, दो पंचवर्षीय योजना और पंचायती राज व्यवस्था से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और आज पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन क्वेश्चन एक आपको देखने को मिले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। आज हम देखते हैं योजना, पंचवर्षीय योजना में योजना अवधि और प्राथमिकता क्या थी। आज जो प्रश्न पूछा था, प्राथमिकता पूछा था कि इस योजना में द्वितीय तृतीय जो भी था उसका प्राथमिकता क्या था। तो प्रथम योजना था पंचवर्षीय योजना का, यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो प्रथम योजना जो था पंचवर्षीय योजना का, प्रथम योजना जो था इसका अवधि जो था 1951 से लेकर 1956 तक था, और इसका मेन प्राथमिकता जो था वो आपका कृषि था। क्या था मेन प्राथमिकता जो इसका था वो आप कृषि था। दूसरा देखा जाए तो दूसरा पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 1961 के अवधि तक चला, और इसमें औद्योगिक तीव्र औद्योगिकरण यानी कि इंडस्ट्रीज वगैरह लगाने की बात की गई थी, और बहुत तीव्र में ये, इसलिए इसे तीव्र औद्योगिकरण के नाम से इसकी प्राथमिकता। अगर आपसे पूछे कि मान लीजिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब लागू हुआ था, तो आप कह सकते हैं 1956 से लेके 61 के बीच में द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अगर इसकी प्राथमिकता पूछे तो इसकी प्राथमिकता क्या थी, तो तीव्र औद्योगिकरण यानी औद्योगिकरण से इंडस्ट्रीज से रिलेटेड जो था ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तो औद्योगिकरण से रिलेटेड था। तीसरी की बात की जाए तो तीसरा 1961 से लेके 1966 के बीच में चला था, ये अर्थव्यवस्था, इसकी मेन प्राथमिकता जो था ये अर्थव्यवस्था था। क्या था अर्थव्यवस्था था। चौथी की बात की जाए तो चौथी 1969 से लेके 1974 तक चला। देखिए पंचवर्षीय योजना का मतलब था 5 साल, बात को समझ गए। तो 1969 से लेके 74 तक चला था, ये जो इसकी प्राथमिकता थी आत्मनिर्भर की प्राप्ति, यानी कि आप आत्मनिर्भर की प्राप्ति इसका मेन जो था प्राथमिकता था। पांचवी की बात की जाए ये 1974 से लेके 1979 तक चला था, इसमें गरीबी उन्मूलन को मेन प्राथमिकता दिया गया था, और यही पूछ भी रहा है। छठी की बात की जाए ये 1980 से लेके 1985 तक चला था, और इसकी प्राथमिकता क्या रहा, रोजगार को सृजन करना यानी कि रोजगार को उत्पन्न करना इसकी मेन था। सातवीं की बात करें तो सातवीं जो चला था ये 1985 से लेके 1990 तक चला था, इसमें आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की प्राथमिकता दी गई थी। आठवीं की बात करें तो 1992 से लेके 1997 तक चला था, इसमें मेन क्या था इसकी प्राथमिकता, कृषि एवं विकास को मेन प्राथमिकता दिया गया था। देखिए ये वीडियो मैं फास्ट कर रहा हूँ, आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि आपका एग्जाम चल रहा है, फास्ट कर लेते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। नौवीं की बात की जाए तो ये 1997 से लेके 2002 तक चला था, इसका मेन प्राथमिकता था न्यायपूर्ण वितरण, यानी कि सभी में सभी को न्यायपूर्ण वितरण मिले। दसवीं की बात की जाए तो 2002 से लेके 2007 तक चला था, जो कि सामाजिक न्याय और समानता है, यानी कि सबको सामाजिक न्याय मिले और सबको समानता का अधिकार मिले। ग्यारहवीं की बात की जाए तो 2007 से लेकर 2012 तक चला था, इसमें तीव्र एवं समावेशी विकास की मेन प्राथमिकता दिया गया था। और बारहवीं की बात की जाए तो 2012 से लेकर 2017 तक चला था, इसमें त्वरित समावेशी विकास की बात की गई थी। इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जा रहा है। अगर आप ये देख लेते हैं तो 1 नंबर आपका पक्का यहाँ से पूछने वाला है, और पूछ भी रहा। आज का शिफ्ट आप उठा के देखिएगा, पंचवर्षीय योजना से प्रश्न आपको देखने को मिले हैं। तो 1 नंबर कुछ मिनट में आप 1 नंबर पक्का। अब देखिए पंचायती राज व्यवस्था को भी एक नज़र हम कर लेते हैं, यहाँ पंचवर्षीय योजना पंचायती राज व्यवस्था ये रिलेटेड हम कर लेते हैं। देखिए पंचायती राज व्यवस्था संविधान के किस भाग में है, तो भाग 9 में है, सिंपल सा चीज़ है।
पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है? तो ये सत्ता के विकेंद्रीकरण पर अधिकारित है पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य की बात की जाए तो जनता को प्रशासन में भागीदारी युक्त बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत वर्णन है? किसके, देखिए छोटा छोटा लिखे हैं, ये पंचायती राज व्यवस्था की बात में लिखे हैं, किसके अंतर्गत वर्णन है, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत वर्णन है, क्योंकि स्पेस कमीशन तो ये नीति निर्देशक सिद्धांत पे वर्णन है। संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा जो मिला है पंचायती राज व्यवस्था को, तो 75वें संविधान संशोधन जो हुआ था उसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला है। 75वें संविधान संशोधन के कौन से अनुसूची में रखे गए, यानी पंचायती राज व्यवस्था के में 75वें संशोधन में अनुसूची कौन सा है? तो 11वीं अनुसूची में रखा गया, ये भी अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 11वीं अनुसूची में रखा गया है। पंचायती राज व्यवस्था संघ के निर्वाचन का मतलब इसका निर्वाचन कौन कराता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग जो है इसका निर्वाचन करवाता है। इंपॉर्टेंट, पंचायती राज व्यवस्था का निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 25 अप्रैल 1993 को पंचायती राज व्यवस्था अधिनियम को लागू किया गया था। और पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कहाँ लागू किया गया था? तो ये नागौर राजस्थान में पहली बार लागू किया गया था। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? तो ये 2 अक्टूबर 1952 को हुआ था। तो चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैं आप सभी के लिए लेके आया। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।